سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام مال کمانے والے ناپ تول میں کمی کرنے والے کا حشر جو ہے وہ موت کے وقت उसे एहसास होगा और उसे बजाय कलमा पढ़ने के मौत के वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं 10, 11, 12 करते रहे क्योंकि उनके सामने आग दिखाई देती है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाही ताला अलैह एक रोज एक बीमार की बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए, जो कि बीमार को देखना और आदत करना नबी की सुन्नत है। बुजुर्गान दीन ये किया करते थे। जो करीबुल मर्ग था, मौत के करीब था, हजरत मालिक बिन दिनार ने उसे कलमा पढ़ने की तलकीन की। आप जाएं, हालचाल पूछें और कहें कि पढ़िए कलमा, पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, अल्लाह अल्लाह करते रहिए। तो उन्होंने तलकीन की, मगर बड़ी कोशिश के बावजूद कलमा के बजाय 10, 11, 10, 11 ही कहता रहा। जब उससे उसकी वजह पूछी गई कि ऐसा क्यों कहता है, तो उसने कहा, मेरे सामने आग का पहाड़ है, जब मैं कलमा पढ़ने की कोशिश करता हूं तो ये आग मुझे जलाने को लपकती है। फिर आपने पूछा, तुम दुनिया में क्या काम करते थे, तो उसने कहा, मैं कम तौला करता था, मेरा काम गल्ला तौलना था, तो मैं कम तौला करता था। सुना आपने, कम तौलने का किस कदर अजाब है, अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे कमाई से। लेकिन अफसोस, सद अफसोस उन लोगों पर जो हराम कतई की कमाई खाते हैं, इसी कमाई से कपड़े बनाते, उन्हें पहन कर नमाज भी पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं, इसी को माले हराम से खैरात भी करते होंगे, जकात खैरात भी निकालते होंगे उसी पैसे में। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह महज उनका गुमान है कि वो इसका सवाब पाते होंगे, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, इन्नल्लाह तय्यबुल्ला यक्बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाकीजा माल को ही कबूल फरमाता है, यानी हराम माल को कबूल नहीं फरमाता। ये मिश्कात शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत सैयदना सुफयान सौरी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, जो माल हराम से सदका देता है, खैरात करता है, वो ऐसे शख्स के मिसल है जो नापाक कपड़े को पेशाब से धोता है। बताइए, नापाक कपड़े को या पाक कपड़े को पेशाब से आप धुलेंगे तो पाक होगा, इसी तरह वो कपड़ा और भी ज्यादा पलीद हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान, जो इंसान माले हराम कमाता है और फिर सदका करता है, उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और उससे खर्च करेगा तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं होगी, और उसे अपने पीछे छोड़ेगा, यानी बाल बच्चों के लिए जमा करेगा, तो ये उसके लिए दोजख का ज़ादेरा होगा। हजरत वहाब बिन मुंबा फरमाते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को बड़ी तजर्रो वजारी से दुआ मांगते देखा, खूब रोते गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांग रहा था, और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किए, परवरदिगार तू इस बंदे की दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से वही आई की तरफ वही आई है, मूसा अगर ये शख्स इतना रोए कि अपने आप को हलाक भी कर दे, और अपना हाथ इतना उठाए कि आसमान तक पहुंच जाए,
तब भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। पूछा मौला क्यों, तो अल्लाह ने फरमाया क्योंकि इसके पेट में हराम है, इसकी पीठ पर हराम है और इसके घर में हराम है, इसका लिबास हराम है, इसलिए इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। लिहाजा आजकल हर एक ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, क्या करूं, नमाज भी पढ़ता हूं, दुआ भी करता हूं, पता नहीं कबूल क्यों नहीं होती, मेरी परेशानियां दूर नहीं होती, न जाने क्या खता मुझसे ऐसी हुई जिसकी मुझको सजा मिल गई। याद रखो ये शैतान का भी कामयाब तरीन मार है कि इंसान गुनाह करता है फिर भी उसके जहन में बिठा देता है कि तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, हालांकि उसका माल हराम, नमाज की तौफीक झूठ नहीं, झूठ की हर वक्त आदत, बदगुमानी, चुगली, गीबत, महबूब मशगला, चेहरा आतिश परस्त जैसा, यानी अली सलाम की सुन्नत करीमा का नूर, दाढ़ी मुबारक चेहरे से गायब, मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मेरे आका ने फरमाया आतिश परस्तों का खिलाफ करो, यानी उन जैसा चेहरा मत बनाओ। याद रखो थोड़ी के नीचे से कम एक मुट्ठी दाढ़ी वाजिब है, और मुड़ाना या कतरवा कर एक मुट्ठी से कम कर देना हराम है, ये फेल हराम भी नजर नहीं आता। ये सब सुन्नतों के माहौल से दूर रहने का नतीजा है। अगर हम सुन्नतों का दर्द रखने वाले इस्लामी हो जाएं, तो फिर गुनाह ही नहीं, और नमाज पढ़ने लगे, खुदा से डरने लगे, तो फिर हराम से भी हम बचने लगेंगे। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, हराम से और हलाल खाने की